स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। लोग मुझसे कई सवाल करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, सुनता हूँ, अपना पक्ष रखते हैं, कोशिश है। अध्यात्म जगत पर कम लोग बातचीत करते हैं, अधिकतर लोग अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो भी सुनना है। मैं लोगों से फिर दो तीन बात पूछता हूँ। पहला, तुम्हारा परमात्मा कैसा है? हम सब ने अपनी कल्पना के आधार पर परमात्मा के बड़े रूप बनाए, वो रूप हमारे हम सबके जहन में है, वो धारणाएं हमारे अंदर है, इसमें हम सब गंभीरता से चिंतन विचार नहीं करते हैं कि हमारी धारणा सत्य की कसौटी पर कितनी गहरी है, हम वैसे ही मान लेते हैं। तो मैं दो टूक बात पूछता हूँ, तुम्हारा परमात्मा कैसा है? मैं अपना सिलसिला इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, जब वो परमात्मा की व्याख्या देता है मुझे आगे रास्ता मिलता है उससे बात करने का, मैं एक रास्ता ढूंढता हूँ, उसकी मान्यता और धारणा को टटोलता हूँ, मुझे यहाँ बात का क्या रास्ता मिलता है, वो एक परमात्मा का स्वरूप जो अपने हृदय में बनाया है वो सामने रखता है। तो मैं तर्क देता हूँ, मैं शास्त्र संगत हूँ, मैं कहता भाई ऐसा तुम्हारा परमात्मा है, प्रमाणित कर, शास्त्रों में भी उसका वर्णन है। तुम परमात्मा की एक आकृति कहते हो, आकृति का सृजन पंच तत्व से होता है, जैते दृश्यम तैते अनित्यम, जैते आदृश्यम तैते नित्यम। आकृति का सृजन पांच तत्व से होता है, इंसान इस तथ्य को नहीं समझ पाता। मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी आकृति देख रहे हैं, मेरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए आप अभी मसलन को देख रहे हैं, मेरे स्वरूप को देख रहे हैं, इसका आभास आपको कैसे हुआ? पहली बात तो मेरा ये शरीर पंचभौतिक तत्वों का है इसलिए दृश्यमान है, पांच तत्व ही साकार है, पर जो भी पंचभौतिक तत्वों से बनी चीज़ें नाश हो जाती हैं। क्यों नाश होती है? तत्व एक दूसरे का विध्वंस करते हैं। तो जब वो परमात्मा की आकृति इन्हीं पांच चीज़ों से कंसर्न बोलता है तो सीधी सीधी बात है कि वो परमात्मा के सही रूप तक नहीं जा पा रहे, वो तो अविनाशी है। अगर आप देखें विनाश होता ही पांच तत्व से, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, आप मेरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पांच तत्व का बना। इस देखने में सहयोग किस चीज़ का है आपका? आप मेरी आकृति किस कैसे देख रहे हैं, इसमें किन चीज़ों का मिश्रण है? आपकी आंखों में लेंस है, कैमरे की तरह उन्होंने दिखाया, आप और मेरी दूरी आपने तय की, मुझे देखा आपने, अनुभव भी किया कि मैं इतनी दूर पर। देखो इसमें आकाश तत्व का रोल सबसे ज़्यादा है, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी वाणी आप तक आ रही है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है एक रास्ता तय कर एक विधि से जा रही है। मेरी इस आवाज़ के अंदर दो तत्व हैं, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व है। यदि आप मुझे शीशे में बिठा दोगे मैं बोलता रहूँगा, आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हवा का आवर्तन परावर्तन नहीं हुआ, आप तक मेरी ये वायु पहुँची, इसमें आकाश तत्व और शून्य का सहयोग था, मेरी आवाज़ शून्य पर सवार होकर आप तक आई, आप और मेरे बीच के फासले को कोऑर्डिनेट किया शून्य ने, इसका मतलब आकाश तत्व किंग है। इस तरह हम जो भी दृश्य देखते हैं उनमें पांच तत्व का मिश्रण है। जब उसने परमात्मा का स्वरूप ऐसा वर्णन किया जो पांच तत्व से कंसर्न है तो फिर परमात्मा नाशवान हो जाएगा। हम सब भौतिक पदार्थों को देखते हैं,
वो सब खत्म हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है धराशायी हो जाती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटर की टैंके हैं, लोहे की गाड़ियां हैं, सब जर्जर हो जाती है। आखिर बिल्डिंगें क्यों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाती है? वजह 5 तत्व विध्वंस मचाते हैं। उस बिल्डिंग में रॉड सीमेंट कंक्रीट था और उसको असेंबल किया था पानी से, धीरे धीरे उस पानी को सूरज ने शोषित करना शुरू किया, उसमें पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हो गया तो वो सब अलग हो गए। बिल्डिंग का विध्वंस कौन किया? सूर्य। आप कई पोखरे देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं जो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाती है। आपके कपड़े फट जाते हैं, कौन फाड़ देता है? पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। ये पृथ्वी तत्व से धूल उठकर आपके कपड़े में आई, उठा के लाई वायु, नमी के कारण से वो आपके कपड़े में जम गई, धीरे धीरे उसने कपड़े को गलाना शुरू कर दिया। सीधी बात है, जो भी हम विनाश या नाश देखते हैं वो 5 तत्वों से कंसर्न है। परमात्मा 5 तत्व नहीं है, इसलिए वो अमर है, वो पंचभौतिक तत्व नहीं है। जब व्याख्या करता है, उसकी व्याख्या से पहले मैं उसकी धारणा को पकड़ता हूँ कि इसने परमात्मा का स्वरूप अपनी धारणा में किस तरह का बनाया है, उसकी सोच का पता चल जाता है। बच्चे से आप पूछते हैं लक्ष्य क्या है तुम्हारा, तो उसका लक्ष्य उसके बाद से कि मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पहलवान बनना है, तो उसके लक्ष्य को आप समझ जाते हैं। आइए मैं आगे चलता हूँ। तो पहले मैं ये जान जाता हूँ कि ये परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कैसा करता है। जब वो यहाँ व्याख्या देता है तो उसकी पूरी धारणा मेरे सामने आ जाती है। मैं फिर अपने तर्क रखता हूँ, मैं उलझुल बातें नहीं करता हूँ, उसमें मेरी रुचि भी नहीं है। ऑन ट्रैक, 4 शब्द आप बोले, 4 दोहे वो बोले, 4 चौपाई वो बोला, 4 बातें याद की, मेमोरी की लड़ाई करते हैं, ये ज्ञान नहीं है। दूसरा मेरा 2 सवाल होता है कि तुम अपनी इष्ट की प्राप्ति किस सूत्र से करते हो, तुम्हारा वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, जो सूत्र तुमने पकड़ा है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। उदाहरण के लिए कोई कह रहा है मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, कोई कह रहा है मैं सिख हूँ, कोई कह रहा है मैं ईसाई हूँ, आखिर ये धर्म क्या हुए, धर्म चीज़ क्या है? हम सब इन चीज़ों को बोल रहे हैं। अब एक मेरा प्रश्न है, इसका संपादन कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या है हिंदू, क्या है आपकी संस्कृति, इसका प्रादुर्भाव क्या है, तुम किस चीज़ पर अड़े हुए हो? रिलीजन, हम वेद के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, इसलिए आप ब्लड के रिश्ते में ब्याह नहीं कर रहे, ये वेद का संदेश है, 1 लाख श्लोक है वेद में। इसलिए पहले हर बच्चे को गुरुकुल में रिलीजन सिखाई जाती थी, वहाँ कौन रहते थे, एजुकेशन फ्रॉड हो गया, बहुत महंगी। देखो सुदामा गरीब था, कृष्ण जी राजकुल से थे, उसका मामा कंस था, रिच फैमिली से थे, दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में एक ही जगह पढ़े। देखा एक वो बहुत गरीब जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, एक राजा का लड़का एक ही कॉलेज में पढ़े थे, आप सोचे ना शिक्षा पद्धति कितनी हाई थी। अभी एक छोटे बच्चे की एडमिशन कराने के लिए 2.5-3 लाख रुपये लगते हैं, हमारी व्यवस्था बिगड़ गई है। 80,000 श्लोकों में कर्मकांड था, व्हाट हैव टू डू, व्हाट हैव टू अवॉइड डू, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, उसका विधान है पूरा, तुम्हें उस पर चलना है, देन यू आर हिंदू। वो 80,000 श्लोकों में जीवन पद्धति है पूरी, ऋग साम यजुर् अथर्ववेद, आपकी नींव वहीं से है, वैदिक सिद्धांत। इसमें भी मतभेद है, ऋग्वेद बोलता है परमात्मा निर्विकल्प और निराकार है, उसमें 80,000 श्लोक हैं कर्मकांड, वो डायरेक्शन है, भाई से कैसे व्यवहार करना, मित्र से कैसा व्यवहार करना, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, ग्रहों को कैसे मानना, नक्षत्रों को कैसे मानना, एक जीवन पद्धति है। 16,000 श्लोकों में देवताओं की शक्तियाँ, संसार का संचालन कैसे हो रहा है, कौन मिनिस्टर कौन सा है, कैसे कैसे चल रहा है। देखो आज के युग में भी आप जब किसी एग्ज़ाम को अपेयर करते, जनरल नॉलेज आता है कि नहीं आता है इंटरव्यू में, तो 16,000 वो जो देवता लोगों का जो इस पूरे सृजन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनका वर्णन है, वरुण क्या कर रहा है, अग्निदेव क्या है, जलदेव क्या कर रहा है, इसलिए उनके लिए रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, ठीक है।
वायुदेव क्या कर रहे हैं, पितृलोक क्या करते हैं, ये पूरी इल्म है। 4000 श्लोकों में इस ब्रह्मांड के रहस्य है, बड़ी डीप चीज़ है। इसलिए IAS ऑफिसर के अंदर भी 15% जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे वेद से निकलते हैं, ठीक है। वेद के अंदर समस्त विद्याएं हैं, नॉट नॉर्मल। मैं वेद पढ़ाऊँ इसको नॉर्मल नहीं समझना। IAS के लिए भी 12 से 15% क्वेश्चन वेद से आते हैं, उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, केमिस्ट्री भी है, रसायन भी है, सभी तत्वों का खेल भी है, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य है, पूरी जीवन पद्धति है कि माँ के रिश्ते में भी आता है वहाँ शादी नहीं करना, बाप के रिलीजन में ब्लड है वहाँ पर ब्याह नहीं करना, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ये 1,00,000 श्लोक है जो उसके अनुसार जीवन को ढाता है, वो एक संस्कृति। गुरुचरण सिंह सिख क्या है, देखो यहाँ कंट्राडिक्शन हो रही है। इसलिए ग्रंथ साहब के अंदर जीवन पद्धति संतों द्वारा दर्शाई हुई है। व्हाट इज इस्लाम? कुरान शरीफ के अंदर जो शब्द है, आयते हैं मोहम्मद साहब द्वारा, तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए वो कह रहा है यही पद्धति उस खुदा तक पहुंचने की है, यही पद्धति जीवन जीने की है, इसी तरह से जीवन जीना है, इस तरह से जीवन जीना है, यह है रिलीजन। इसलिए वो आईने के तौर पर जब हम शक्ल देखते हैं तो अपना कुरान शरीफ को देखते हैं, हम वेदों को देखते हैं, इस तरह ईसाई बाइबल को लेते हैं, उसके अंदर जो जीवन पद्धति है उसे अपनाना है। उनकी ये धारणा है जो कुछ भी बाइबल में वही रियल है, बाकी कोई रियल नहीं है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उसकी टीका लोगों ने अपने अपने हिसाब से की, हम लिबरल क्यों नहीं हो जा रहे, हम विचार करें ना। इस तरह एक डायरेक्शन रिलीजन, एक ईश्वर के लिए मान्यता है, एक वे है, उस पर इंसान चल रहा है। हमारे धर्म में विविधताएं क्यों हैं, गोत्र क्यों हैं, बाकी चीज़ें क्यों हैं, सुने ऋग्वेद कह रहे हैं ईश्वर निर्विकल्प निराकार है, यजुर् कह रहा है परमात्मा साकार है, त्रिदेव ये पूरी उत्पत्ति अग्नि जल देव आदि ये पूजनीय हैं, इस सृजन का ये विशेष अंग हैं, इनकी उपासना करो, हमारा जीवन का अस्तित्व इससे सर्वगुण ब्रह्म तक है। इसलिए यजुर्वेद ये बोल रहे हैं। सामवेद कह रहे हैं नो, आत्मा ही ईश्वर है। सामवेद क्या कह रहे हैं? आत्मा ईश्वर है, कंट्राडिक्शन। और ऋग्वेद क्या बोल, अथर्व कह रहे हैं कर्म ही सब कुछ है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म में 4 धाराएं हैं, कुछ निर्गुणवादी हैं, कुछ सर्गुणवादी हैं, कुछ आत्मा को मान रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये सब चीज़ नहीं है। इसलिए विविधता, हमारा जो वे है वो ऐसा ही है। हमारे धर्म में कुछ कहते हैं भैया कर्म ही सब कुछ है, कह रहे हैं ना वो क्यों, अथर्ववेद का ये डायरेक्शन है। कुछ कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, महात्मा बुद्ध भी यही किए, वो भी जैन मत के जो थे महावीर स्वामी, वो भी आत्मा को सब कुछ माने, वो है सामवेद। जो इस्लाम है एक्चुअल ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें एक निर्विकार परमात्मा को ही मानना, बाकी साकार चीज़ें नहीं। इसलिए ये चीज़ उन्होंने अपनाई, सब चीज़ वेद से निकली। एक प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाने जाता है उसको कंप्लीट उस सब्जेक्ट और विषय का पूरा इल्म होता है, ठीक है। घर का जो गार्जियन है उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है, बीबी का, बच्चों का, पोतरों का, दोतरों का, उनमें से कोई भी परेशान हो तो वो परेशान हो जाता है। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, जब आप दुखी हो जाएंगे ना तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, आप ठीक रहेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब ठीक रहोगे तब तो 4 को ले आओगे, जब दिन भर गुलाटियाँ खाते रहोगे, परेशान रहोगे, कौन आएगा मेरे पास? आपकी स्थिति देखकर ही तो मेरे पास आदमी आ रहा है ना। जब आप खुशहाल होंगे, आप संपन्न होंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्व होगा, सब चीज़ें होगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपकी ज़िंदगी की धारा बदलेगी, तब तो आपके रिश्तेदार नातेदार मुझसे प्रभावित होकर आएंगे ना। 2 आदमी से मैंने 7.5 लाख आदमी बनाए, ऐसे ही बनाए क्या? कुछ मेहनत की होगी? नहीं की होगी यार, ऐसे ही बना दिए। 14 अरब कबीर है गाफा, एक पद्धति है पूरी जो साहब ने बोली है। उसमें वेद में तो 1,00,000 श्लोक है, कबीर साहब ने 14 अरब दोहे और रमेनिया बोली है, उसके अनुसार चलना है, ठीक है। तुम्हें जीवन की हर दिशा उनकी वाणी में मिलेगी, लेकिन एक समस्या है। गीता का टीका 700 किस्म का है, हर एक विद्वान ने अपनी अपनी अकल लड़ा दी है। इस तरह कुछ साहब की वाणी की व्याख्या जो लोगों ने की है वो अलग अलग की है, उसमें भ्रम हो गया, उसमें क्या हो गया, भ्रम हो गया।
इसलिए इसके अतिरिक्त जितने भी सिद्धांत हैं वो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, तुम्हें परम लोक तक नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, इस संसार में जीवन की पद्धति वो अच्छी दे रहे हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, पूरा ये। उसके अलावा क्या बोला, बाकी सब चीज़ें ठीक है लेकिन तुम्हें लौकिक चीज़ें दे सकेगी उस पॉइंट पर नहीं पहुँचा सकेगी। इसलिए सदगुरु की धारा क्या कर रही है, इन सबको नकार रही है। मैं आपको उससे बाहर निकाल कर एक सत्य की तरफ ले चल रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ चिंता मत करो, आपके साथ एक पावर कर दिया है। इस तरह एक पूरी पद्धति है, तुम्हें कैसे जीना है, क्या खाना है, फिर इसको कैसे फॉलो करो। गुरु एक सुषम वेद है, तुम बस उसे पकड़ लो, तुम्हें हर एक चीज़ का बोध उससे मिल जाएगा। तुम्हारे पास अगर ISD कनेक्शन है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बात कर सकते हो। इसलिए साहब ने घुमाकर फिर कहाँ पकड़ा, कर्मकांड पर नहीं, गुरु भक्ति पर। इस तरह इतनी डीप है साहेबंदगी, गुरु कहे वही है सांचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। जो बाकी ये चीज़ें आचार पद्धति है इनमें अच्छा जो बाकी किसी भी चीज़ का है वो अपना लो ना, तुम लिबरल हो जाओ, कट्टर नहीं। साहब ने एक शब्द कहा, क्या बात है, जैनी दया वैष्णव धर्म मुसलमान यकता, जब ये तीनों गए तब पाए मेरा दीदार। देखो क्या कह रहे हैं साहब, दया जैनियों की तरह, किसी जीव को नहीं मारना, मुंह को कपड़ा भी बांधते हैं कि सिलाई मंडल में ये नहीं जाए, सफाई वैष्णव धर्म, वैष्णव बहुत टॉप है, लकड़ी भी धोके जलाते हैं, इतनी सफाई है, बहुत सफाई है। और मुसलमान यकतार, मुसलमान एक को पकड़ा है, ठीक है। तो साहब कह रहे हैं जैनी दया वैष्णव धर्म मुसलमान इकतार, ये तीनों पकड़े तब पाई मेरा दीदार। क्या दया जैनियों की तरह, धर्मिष्ठ वैष्णव की तरह, और एक ईश्वरवादता मुसलमान की तरह। साहब ने ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बोला है। एक प्रोफेसर पूरे सिलेबस को वेल स्टडी करता है तब बच्चों को पढ़ाता है, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इस पूरे रहस्य को समझता हूँ, ठीक है। इसलिए साहब ने फिर किसके इर्द-गिर्द आप रोका, क्योंकि अब तुम बाकी की तरफ नहीं जाओ, पद्धति ये साहब ने बनाई। अब देखो किसी का गोत्र है भारद्वाज, किसी का है अत्रि, किसी का है सांडिल्य, किसी का है गौतम, किसी का है पराशर, क्यों है बताएं? इसकी वजह हर एक इंसान के पास अपने परिवार की टाइप और कस्टम है, कुल की। चार वेदों की टीका छः शास्त्र, उससे छः शास्त्र बने, छः ऋषियों ने बनाए। गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र का सृजन किया, ऋग्वेद से निकाल। वेदव्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र का सृजन किया, यजुर्वेद से निकाला टीका। कपिल मुनि ने सांख्य योग का सृजन किया, सामवेद से निकाला। कर्णार्ध मुनि ने वैशेषिक शास्त्र का सृजन किया, अथर्ववेद से निकाला। और अर्थशास्त्र का अथर्ववेद से। इस तरह चार वेदों से समरी और पूरी शॉर्ट ब्रीफ निकाली छह ऋषियों ने। इसलिए जिसका गोत्र गौतम है वो न्याय शास्त्र पर चलते, वो पूरी बरादरी पाप नहीं करने वाली होती है, ठीक है भाई। आपके बच्चे आपकी ट्रेडिशन लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसलिए पहले गोत्र देखते थे, ठीक है। इस धर्म में जितनी चीज़ें बड़ी अच्छी है, सांख्य योगवाद पर चलने वाले लोग हैं बिल्कुल भी, वो क्या करते हैं जो सांख्य योग, जिनका गोत्र फिर कपिल आदि शांडिल्य आदि ये है, वो लोग बहुत साधना को योग को महत्व देते हैं। कर्णार्धी आदि इनके भारद्वाज इन ऋषियों से जो कनेक्टेड गोत्र है वो क्या करते हैं, कर्मवाद को महत्व देते हैं। वो कहते हैं भाई कर्म ही सब कुछ है, आपके बच्चों को इस तरह हमारी जो संस्कृति में विविधता आई, फिर उन छह शास्त्रों से 18 पुराण बन गए, उनकी फिर उपटीका होकर 128 उपनिषद बने, फिर उनसे धीरे धीरे छंद विछंद काव्य कविताएं बनी। ये वैसे ही हुआ, किसी नदी से डैम बनाया, डैम से फिर कैनाल, फिर सब कैनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर ट्रिब्यूटरी, ये बने ना। इस तरह से फिर धीरे 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 बना। धर्म को समझना है, मुख्य इस धर्म का लक्ष्य क्या है, इस धर्म का है सत्य और अहिंसा। ये धर्म संदेश दे रहा है संसार के किसी भी जीव को नहीं मारना, क्यों, आत्मवतम सर्वभूतेषु, और सत्य बोलना। आप सोचें जब इंसान इन दो चीज़ों को अनुकरण करेगा कितना ग्रेट हो जाएगा।